क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार चैंपियन बना चुके 37 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट सफर कब थमेगा, यह सवाल क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि विश्व कप 2019 के बाद शायद धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन आईपीएल कब तक खेलेंगे इस सवाल का जवाब तो शायद धोनी ही दे सकते हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि बेहद नाटकीय अंदाज में मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल में हार के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2020 में खेलने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत के बहुत करीब थी, लेकिन खराब अंपायरिंग की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 1 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी, जिसे लेकर महेंद्र सिंह धोनी बेहद निराश दिखे। धोनी का रन आउट होना बेहद विवादित रहा। निश्चित तौर पर धोनी अंपायर के गलत फैसले का शिकार नहीं होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और ही होता। मैच के बाद धोनी ने बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के साथ साथ खराब अंपायरिंग को भी हार का जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा अगले साल यानी आईपीएल 2020 में खेलने के सवाल पर धोनी ने रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया। दरअसल इंटरव्यू के दौरान संजय मांजरेकर ने धोनी से कहा कि आईपीएल में अभी तक शानदार सफर रहा है, आपको अगले सीजन में भी फिर देखने की उम्मीद है। इस पर धोनी ने कहा, हाँ उम्मीद है। हालांकि आईपीएल 2019 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी फिटनेस अभी भी काफ़ी अच्छी है। यही नहीं, विकेट कीपिंग में आज भी धोनी युवा विकेट कीपरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।